गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि बाय चांस अगर किसी को सांप काट जाए तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का भी एक रीजन है, मैं शॉर्ट्स को जो है स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें बहुत ही दो स्टूपिड वीडियो आए जो कि काफी डेंजरस हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो उसमें एक वीडियो में वो बोलता है कि अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो जो है स्नेक के पूंछ के पैटर्न को नोट कीजिए। तो अगर पैटर्न ऐसा है तो वो जो है वेनमस नहीं है, और अगर ऐसा है तो वो वेनमस है। तो ये एक जो है स्टूपिड सलाह है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और दूसरा जो वो बोलता है कि जब आपको अगर कोई किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो जो है उस स्नेक की फोटो क्लिक कर ले। ये जो दोनों एडवाइस हैं ये काफी स्टूपिड हैं, तो इन बातों को आपको इग्नोर करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द स्नेक। तो ऐसा है कि अगर 100 स्नेक बाइट होते हैं उसमें से 70% जो है नॉन वेनमस स्नेक के होते हैं, और जो बाकी के 30% बचे उसमें भी जो 50% टाइम होते हैं जो स्नेक है वो वेनम रिलीज नहीं करता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्नेक आपको हंट नहीं कर रहा है, उसका मेन जो वो है वो है कि वहां से एस्केप होना, आपको जो है डाइवर्ट करके बाइट करके कैसे भी वहां से वो एस्केप होना चाहता है। तो मोस्टली वो जो है लाइफ थ्रेटनिंग बाइट नहीं देता है। पर अब आप उसकी फोटो क्लिक किया, आप उसकी जो है स्केल चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जब कॉर्नर्ड हो जाएगा तो हो सकता है कि वो डेंजरस ब्लो दे, डेंजरस बाइट दे जिसमें कि वो अपना वेनम रिलीज करे। तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इन एडवाइस को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। तो नॉन वेनमस स्नेक होता है, आपको हो सकता है कि पूंछ के स्केल देखकर पता चले कि वो वेनमस है या नहीं है, पर स्नेक को ये ऑलरेडी पता है कि वो नॉन वेनमस है तो उसे कैसे अटैक करना है। हो सकता है कि वो कॉर्नर्ड हो जाने के बाद नॉर्मली जो है वो आईज पे अटैक करता है, तो इससे आपकी आंख के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और आपकी आंख भी जा सकती है। तो ऐसी सभी एडवाइस को इग्नोर कीजिए। उसके अलावा क्या नहीं करना है? तो आपको जैसे हमारी हिंदी मूवीज में पहले दिखाते थे कि वो जो है ब्लड को सक करके जहां पर बाइट होता था उसे सक करके वेनम को थूक देते थे, ये भी नहीं करना है। क्योंकि लिप्स और जो टंग होती हैं ये आपके ब्लड में उसको जो है भेज सकती है वेनम को, जो कि ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग है। उस पार्ट को बांधना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे बांध लेंगे हो सकता है कि आपकी लाइफ तो बच जाए पर उस पार्ट को काटना पड़ जाए, क्योंकि वेनम जो है एक ही जगह पर क्लस्टर हो जाएगा। अल्कोहल का यूज नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल का यूज करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है जिसकी वजह से वेनम और भी जल्दी से बॉडी में फैलता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं आपको नहीं करनी है। अब करना क्या है? तो इंडिया में जो है 4 ऐसे स्नेक्स हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिनमें से है कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ वाइपर। तो इनमें से जो 3 स्नेक हैं वो हैं कोबरा, रसल वाइपर एंड सॉ वाइपर। ये जो है प्रोवोक करने पर ही बाइट देते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं, नॉर्मली जैसे फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, या जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप कर सकते हैं तो हाई जो एंकल शूज होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप इसे अवॉइड कर सके। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप जो है एक लाठी ले सकते हैं, टैप करते हुए चलिए ताकि अगर वहां पर कोई स्नेक है तो वो वहां से पहले ही मूव हो जाए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है क्रेट, जो कि मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक स्नेक है। रीजन इसका यह है कि ये बिना प्रोवोक करे भी बाइट दे देता है। तो ये नॉर्मली रात को काटता है, तो जो लोग नीचे सोते हैं वो नीचे सोना अवॉइड कीजिए, और अगर फिर भी सोना पड़ रहा है तो आप जो है मच्छरदानी जिसे मॉस्किटो नेट बोलते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि ये अंदर ना आ सके। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है स्नेक बाइट अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर फिर भी किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो क्या करना है? तो आपको जो है उस व्यक्ति को इमोबिलाइज करना है, मतलब कि उसे लिटा दीजिए, बिठा दीजिए, भागने दौड़ने मत दीजिए। फोटो क्लिक या स्केल को चेक करने के लिए
प्रीशियस टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसे इमोबिलाइज कीजिए, बिठा दीजिए, उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दीजिए। तो उसे बांध कर, जैसे लकड़ी के साथ बांध कर, ताकि वो पार्ट ज्यादा मूव ना हो, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी लेकर जाइए। जो एंटी वेनम मिलता है उसमें इन चारों स्नेक्स का कॉकटेल होता है, तो अगर आपको टाइम पर एंटी वेनम मिल जाएगा तो आपकी लाइफ बच जाएगी, और वैसे भी ऑलरेडी 85% तो आप सेव ही हैं। तो घबराइए मत, क्योंकि अगर घबराएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन और फास्ट होगी, और नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जो है नॉन वेनमस स्नेक के बाइट से भी मर जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना इन बातों का, डॉक्टर के पास जाइए, झाड़ फूक में मत पड़िए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो कि आपको हार्म कर सकता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, चेक कीजिए आप इसको जाकर। थैंक यू सो मच।